नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। महंगाई भत्ता जनवरी 2022 के लिए आंकड़े हुए जारी, इतनी हुई बढ़ोतरी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं उससे जनवरी 2022 के महंगाई भत्ते में अभी तक कितनी बढ़ोतरी हो गई है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर छोटे से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो शिमला की तरफ से ये लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी की गई है 29 अक्टूबर 2021 को, और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सितंबर 2021 के लिए ये जारी कर दिया गया है। सितंबर 2021 का जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 0.3 अंक बढ़कर 123.3 अंकों के स्तर पर रहा है। आपको बता दें कि इन्हीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना की जाती है, यानी जनवरी 2022 के लिए जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसके लिए इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी होगी। जितनी इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी उतना महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी, जो हम आपको आगे कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक शेयर जरूर करें। ये जो 0.3 सूचकांक बढ़े हैं इसमें अधिकतम योगदान ईंधन का रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फूड ग्रुप आ गया है। इसमें किस प्रकार से किन किन आइटम्स में कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी फ्यूल और लाइट में हुई है, तो इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ा है और उसमें बढ़ोतरी हुई है 0.3% की। अब बात करते हैं कि जनवरी 2022 के लिए आपका अभी तक महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, जुलाई 2021 से आपका महंगाई भत्ता बढ़ा था 31%। तो इसके बाद में जुलाई 2021 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया जिसमें 3 अंकों की बढ़ोतरी हुई, जिससे आपका महंगाई भत्ता हो गया 31.81%। उसके बाद में अगस्त का जारी किया गया जिससे आपका महंगाई भत्ता हो गया 32.33%, जिसके बाद में अभी सितंबर 2021 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है जो 123.3 अंकों के स्तर पर रहा, जिसको हम अगर बेस ईयर 2001 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 355 अंक, यानी कि सीधे यहाँ पे एक अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आपका अभी तक महंगाई भत्ता हो गया है जनवरी 2022 के लिए 32.81%। अभी दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आना बाकी है, जिसके बाद में ये डिक्लेयर होगा कि आपका महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। अगर इसी तरह एक दो अंकों की बढ़ोतरी होती रही तो आपका जनवरी 2022 के लिए जो महंगाई भत्ता बनेगा एक्सेप्टेड वो रहेगा 3%।